ठीक है ना, सत्कारियों की आपने बात कही, परिवार की बात कही, जिस तरह से लगातार आप पर चर्चाएं चल रही हैं, हम उन्हीं चर्चाओं को विराम देने के लिए आपके समक्ष आए हैं। हाल ही में आपने विवाह किया है और कई सारी मजबूरियां आदमी के समक्ष होती है। यहाँ ये बता देना मुझे उचित लगता है कि भैयू जी महाराज संत हैं, लेकिन संत के पहले गृहस्थ हैं, संत के पहले एक पुत्र हैं, संत के पहले एक पुत्री के पिता हैं, काफ़ी सारी उनकी जवाबदारियाँ भी हैं। इस विवाह को लेकर आप काफ़ी चर्चा में आए, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक सन्यासी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ब्रह्मचारी रहा हूँ। मेरा पूर्व में विवाह हुआ, मेरे पत्नी का देवासन हुआ, पत्नी का देवासन के पश्चात मेरी कन्या बहुत छोटी है और मेरी माताजी एक तरफ बाल्याश्रम है और एक तरफ सीधा जो है संन्यास आश्रम है। अर्थात मेरी माताजी आज 85 वर्ष की हो गई। पिताजी थे, पुरुष थे, उनके हम अलग तरीके से स्वयं सेवा करने के लिए सक्षम थे, पर 2 वर्षों में जिस तरीके से मेरे परिवार में पारिवारिक दुर्घटनाएं घटी है कि पहले मैंने पिता को खोया, बाद में मेरा एक्सीडेंट का होना और उस एक्सीडेंट के बाद में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में जो है उससे थोड़ा सा मैं बाहर निकला नहीं था कि वापस मेरी मैं जो किसान आत्महत्या कर रहे थे बीड़ जिले में, उस्मानाबाद जिले में, तो 340 गांव में जब मैंने दौरा किया तो उस समय पर मेरे को इन्फेक्शन हुआ पेट का, तो फिर अस्वस्थता आ गई। उस अस्वस्थता के चलते हुए शुभचिंतकों की तरफ, जो हित चिंतक है, जो अपने को मान्य, जो एक वर्ग और समाज जिस दृष्टि से, जिस अपेक्षा से मेरी तरफ देख रहा था, उस दृष्टि से ना तो मैं उनकी सेवा कर पा रहा था। पर इसी बीच जो है मेरे धर्म पत्नी का देवासन हुआ। देवासन के समय पर भी सबने मेरे को टोका था, मेरी सोच थोड़ी अलग है जीवन में। तो अगर आप देखें कि एक तरफ मेरे सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करना, साथ में जो है राष्ट्र कार्यों के प्रति समर्पित होना, परंतु मेरा एक बहुत स्पष्ट मत है कि मैं एक माँ का बेटा भी हूँ, किसी बेटी का पिता भी हूँ। और इसीलिए जब मेरा इस विशेष कोई रुचि नहीं थी, परंतु पारिवारिक घटनाएं जिस तरीके से निरंतर घट रही थी, फिर जैसे पति के देवासन के बाद में बच्ची का अगर एग्ज़ाम आया तो उसमें पूरा समय देना पड़ा। एग्ज़ाम के बाद में उसके एडमिशन से लेकर उसके 1.5 वर्ष तक परवरिश करने का पूरा जो देखा है, वो भी ग्रोइंग स्टेज में है, तो उसको भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उसको भी संस्कार प्रक्रिया और जो है कहीं ना कहीं एक मित्रवत परिवार में जरूर आवश्यकता है। माताजी को मैं मेंटल माइंड एट्रोपी हो जाने के कारण उनकी मेमोरी वॉश हुआ। तो ऐसा है कि हम संसाधन तो जुटा लेंगे सेवा, माता पिता की सेवा, माता की सेवा भी हम करते हैं, इतने वर्ष की भी, परंतु कई ऐसे हैं कि अगर जैसे इस उम्र में हम उनके वस्त्र बदलने की बात आती है या फिर उनको खाना खिलाने की बात आती है, तो हम खाना हम खिला सकते हैं, परंतु उनके वस्त्र हम नहीं बदल सकते, क्योंकि पुत्र होकर भी मेरी एक मर्यादा थी। तो बेड रिडन है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है। तो ये सब को देखते हुए मेरी जो बड़ी बहन है वो सामने आई और उन्होंने देखा कि ना मैं समाज के लिए बचा हूँ, ना मैं पूर्ण परिवार के लिए बचा हूँ, कहीं ना कहीं पर यह सारी ऊर्जा बट रही थी और इसीलिए ये पूरी ऊर्जा जिस तरीके से समाप्त हो रही थी, और उसका विपरीत परिणाम मेरे जो एक्सीडेंट हुआ था बीच में, मेरे पे जो अटैक हुआ था जिसके मार्क अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस अटैक को देखते हुए मेरे को जो सिंकोपल अटैक जो आते थे निरंतर, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, बच्ची की बढ़ती उम्र है और माता जी की अस्वस्थता है। अब बताए ऐसी स्थिति में समाज का कोई भी व्यक्ति होता तो क्या निर्णय लेता।